जहां तक मणिपुर का सवाल है, 100 दिन में हमने जो ये घटनाओं का मूल है, भारत म्यांमार सीमा, इसका फेंसिंग शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर फेंसिंग समाप्त हो चुका है और पूरी 1500 किलोमीटर से ज्यादा जो सीमा है इसको फेंसिंग करने का बजट भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है। एक नंबर दो, हमने वहां पर स्ट्रेटेजिक जगहों पर सीआरपीएफ को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया है। नंबर तीन, हमने जो घुसपैठ होती थी उसको रोकने के लिए म्यांमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का एक समझौता था उसको भारत की ओर से रद्द कर सिर्फ वीजा के बेस पर ही आ जा सकेंगे, ये कानून भी लाए हैं। नंबर चार, कई सारे सुरक्षा लैप्सिस थे, मतलब छिद्र थे इतनी बड़ी सीमा पर, उसको पूरा करने का काम भी किया गया है। अभी हाल ही के दिन में दो घटनाएं, तीन दिन तक हिंसक घटनाएं हुई, इसको छोड़कर विगत तीन महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। अब मणिपुर में अभी भी तीन दिन से शांति है, मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है, क्योंकि नस्लीय हिंसा है, जब तक संवाद होकर दोनों के बीच में समाधान नहीं होता कोई परिणाम नहीं निकल सकता। हम कुकी ग्रुप्स के भी चर्चा कर रहे हैं और मतई ग्रुप से भी चर्चा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में लगभग सभी प्रकार के प्रयास करने के लिए हमने हमारा रोड मैप बनाया है।